तो दोस्तों एक साइड का 16 ट्यूबुलर बैटरी है, 100 AH का, 36 मंथ्स वारंटी इसके साथ दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हो सोलर सर्ज कंट्रोलर, ठीक है दोस्तों। तो पहली बात ये है कि ये जो बैटरी है एक साइड का 16 ट्यूबुलर जो बैटरी है, ये इलेक्ट्रिसिटी से भी चार्ज होता है और सोलर पैनल से भी चार्ज होता है, ठीक है दोस्तों। राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सोलर पैनल का जो सिंबल दिया गया है ऊपर के ऊपर जो है उसको एक लाइट से कनेक्शन किया गया है। तो हमारा जो आज का वीडियो है वो ये है कि जो हमारा 16 ट्यूबुलर बैटरी है इसका जो प्लस माइनस पॉइंट जो है उसको हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। प्लस माइनस जो वायर है उसको हम लाके यहाँ पे सोलर सर्ज कंट्रोलर के नीचे आपको बिल्कुल दिखाई देगा, आप लोग देख पा रहे हो। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे एक बैटरी का सिंबल आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो बैटरी का प्लस और माइनस सिंबल यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे और एक बार आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे दिन के समय है, सोलर पैनल से बैटरी तक चार्ज आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग बैटरी का जो प्लस और माइनस यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव वायर जो है उसको यहाँ पे लगाना चाहते हो, प्लस को प्लस में लगाना पड़ेगा, माइनस को माइनस में लगाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो बैटरी का जो वायर है उसको यहाँ पे हम प्लस में पॉजिटिव में लगाएंगे और नेगेटिव में जो है वो नेगेटिव वायर लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। ये हो गया बैटरी से सोलर सर्ज कंट्रोलर का कनेक्शन, ठीक है दोस्तों। और दूसरा बात ये है, उसको लगाने के बाद सोलर पैनल में यहाँ पे आप देख पा रहे हो सोलर पैनल का सिंबल दिया गया है। सोलर पैनल का पॉजिटिव और नेगेटिव वायर जो है इसमें हम पॉजिटिव को पॉजिटिव में रेड वायर हमने लगा दिया है और नेगेटिव में नेगेटिव वायर इसको हमने लगा दिया है, ठीक है दोस्तों। यह है एकदम सिंपल सा इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, कनेक्शन प्रोसेस एकदम सिंपल सा है। सोलर पैनल रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमने ऑलरेडी आप लोग करके रख दिया है, जब भी आप लोगों को जरूरत पड़े आप लोग जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।